शहर के सराफा और कचनार सिटी के बाद कोरोना ने हनुमानताल क्षेत्र में अपनी दस्तक दे दी है, जिसके बाद से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तो वहीं देखा जाए तो शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों से ज्यादा सस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने यह आशंका व्यक्त की है कि अब कम्युनिटी संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मनीष मिश्र ने बताया कि हम लोगों ने 16,000 लोगों का सर्वे 1500 लोगों की टीम ने करीब डेढ़ दिन में कर चुका है और कुल 36,000 लोगों का सर्वे करना है। वहीं उन्होंने बताया कि सर्वे में करीब 1285 लोग संभावित हैं, जिसमें से 30 लोगों का सैंपल ले लिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कुछ नए पॉजिटिव केसेस जबलपुर में आए। बहुत समय तक बिना नेगेटिव केस होते होते अब एकाएक ये पॉजिटिव केस जो आए हैं, इसका हमने सूक्ष्म अध्ययन किया है। इसमें डॉक्टर नीलम टोप्पो और डॉक्टर रविंद्र बिश्नोई, जो दो हमारे PSM के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने अपना बहुत गहरा योगदान दिया है। इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि ये किस एरिया से आ रहे हैं, और हमने एक एरिया डिसाइड किया। ये पूरे के पूरे जो है 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया के बीच के हैं, पड़ोसी हैं और लगभग सटी दीवार के रहने वाले लोग हैं। इस अध्ययन का ये नतीजा निकला कि हम लोगों ने एक पेरीमीटर बनाया और लगभग 16,000 लोगों का सर्वे डेढ़ दिन में किया। आप सोचिए कि 1050 लोग लगा के हमने जो है 16,000 लोगों का सर्वे किया और लगभग 36,000 का सर्वे हमारा हमें करना है, और हम लगातार सर्वे करते जा रहे हैं। उस सर्वे में हमें जो निकल के आया कोर एरिया से, कोर एरिया का सर्वे पूरा हो गया है और कोर एरिया में हमको 1285 ऐसे लोग निकल के आए हैं जो संभावित हो सकते हैं। इसमें से करीब 31 लोगों के सैंपल ऑलरेडी हम ले चुके हैं। 17 टीमें हमने तैयार कर दी हैं। हमारी टीम के लोग एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, उस व्यक्ति की कुशल से हम पूछेंगे, और अगर उसमें जरा से भी कोई ऐसा डाउट होगा तो हम उनको क्वारंटीन तो हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, उनको हम आगे उनकी जाँच और करवाएंगे। उसके अलावा हमारे पास इंफ्रारेड थर्मामीटर्स आ गए हैं, तो हर एक व्यक्ति की जांच इंफ्रारेड थर्मामीटर से कराने की हमारी वो है और वो हम करा के रहेंगे। और मैं जबलपुर की जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सहयोग रहा और अच्छा सहयोग आपने किया, तो हम सब मिलके जो है इस कोरोना पे विजय पाएंगे।